Hello students, welcome to the session. I am Ishwar Swas, a passionate biology lecturer. Today we are going to discuss further more topics in this chapter, genetics. का जो पहला चैप्टर है हमारा उसके अंदर हम बात करने जा रहे हैं. सो लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था टर्मिनोलॉजीज के रिगार्डिंग. मैंने आपको बता दिया था डोमिनेंट क्या होता है, रिसेसिव क्या होता है, ठीक है. और मैंने आपको ये भी बताया था कि लाइक जीन्स क्या होते हैं, एलील्स क्या होते हैं, होमोजाइगस, हेटरोजाइगस, ठीक है ना. नीचे वाला हेटरोजाइगस है, ये भी हेटरोजाइगस है. यहाँ पर ये होमोजाइगस था, कल शायद ध्यान नहीं रहा था, इसको हेटरोजाइगस कर लीजिएगा, ठीक है. अच्छा, ये जीनोटाइप है और फिनोटाइप क्या होता है, मैंने सब कुछ आपको बताया था, ठीक है. टर्मिनोलॉजीज हमारी ओवर हो चुकी हैं और मेंडल के रिगार्डिंग अगर मैं आगे बात करूं, ठीक है, तो अब हम आगे पढ़ने जा रहे हैं. आज के दिन हम डिस्कस करेंगे मेंडल के जो बचे हुए लॉज हैं उन सबको हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे, ठीक है जी. तो मेंडल के कौन कौन से लॉज हैं वो हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है. दोबारा से देख लो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है ना, दोबारा से देख लीजिए, कोई बात नहीं. तो अगर मैं मेंडल के लॉज की बात करूं, ठीक है ना, तो मेंडल ने दिए थे तीन लॉज. लाइक सबसे पहले उसने दिया था लॉ ऑफ डोमिनेंस. सबसे पहले कौन सा दिया था उसने, लॉ ऑफ डोमिनेंस दिया था. उसके बाद फिर आता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जिसको कि आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं. ऑलरेडी मैं लॉ ऑफ डोमिनेंस आप लोगों को पढ़ा चुका हूं, ठीक है ना. तो ये है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जो इसका सेकंड लॉ बोल रहा है, मेंडल ने जो लॉ दिया, ठीक है ना. और जो थर्ड लॉ है वो है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है ना, इंडिपेंडेंट, सॉरी, हाँ जी, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है. अच्छा, देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट की वीडियो आप लोगों ने देख ली होगी, जैसा कि मैंने आपको समझाया था लास्ट वीडियो में भी. बहुत ज्यादा जरूरी बन जाता है वो वीडियो देखना, तभी आप लोग इन लॉज को, एक्चुअल कॉन्सेप्ट क्या है जेनेटिक्स के उसको आप समझ पाओगे. तब आप वो बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ के आओगे जो मैंने आपको समझाए थे, ठीक है. फिलहाल यूज टू में आएंगे तो मैं बता दूंगा फिर से, कोई बात नहीं है. अच्छा, फिर मैंने आपको ये बताया था जब मैं आपको कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस पढ़ा रहा था, एक वीडियो है मेरी जो मैंने पोस्ट करी है कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस के ऊपर, ठीक है. मैंने आपको कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस बताया था, उसमें मैंने आपको ये बताया था कि हमेशा ऐसा नहीं है कि एक एलिक पेयर दूसरे को कंप्लीटली डोमिनेट कर दे, ठीक है, कंप्लीटली डोमिनेट कर दे. हमने ऐसा भी केस देखा था जिसमें जो डोमिनेंट एल है वो रिसेसिव को कंप्लीटली डोमिनेट नहीं कर पाती, मतलब कि इनकम्प्लीट डोमिनेट करती है. तो उस तरह के डोमिनेंस को हम बोलते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस, उसको क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस बोलते हैं. ऐसा मैंने आपको समझाया था, ठीक है. अच्छा, अब इनकम्प्लीट डोमिनेंस का जो ये कॉन्सेप्ट है इसको ध्यान में रखते हुए, क्योंकि हमें देख हम अगर आज के टाइम में देखें तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस देखने को मिलता है, ठीक है. अगर आप सोच रहे हो कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या है, तो देखो इनकम्प्लीट डोमिनेंस इंटरमीडिएट कैरेक्टर दिखाता है, जहां भी हमें इंटरमीडिएट कैरेक्टर दिखे. फॉर एग्जाम्पल, एक अगर टॉल प्लांट है 100 सेंटीमीटर हाइट का, और इसका क्रॉस अगर मैं करा रहा हूं 30 सेंटीमीटर के ड्वार्फ प्लांट से, ठीक है ना, तो रिजल्ट में मान के चलिए मुझे रिजल्ट में मिला 65 सेंटीमीटर का प्लांट, जो कि इन दोनों का इंटरमीडिएट है, ठीक है. तो ये किसका एग्जांपल हो गया, ये एग्जांपल हो गया इनकम्प्लीट डोमिनेंस का. ऐसे ही एक पॉपुलर एग्जाम्पल था, ठीक है, स्नैप ड्रैगन फ्लावर का, अगर आपको याद हो स्नैप ड्रैगन फ्लावर का एक पॉपुलर एग्जाम्पल था, ठीक है ना. स्नैप ड्रैगन फ्लावर में क्या होता है, रेड फ्लावर लिया जो कि डोमिनेंट कैरेक्टर है, ठीक है ना, कैपिटल आर प्योर लिया, और एक वाइट फ्लावर लिया है और वाइट का है स्मॉल आर, स्मॉल आर. अब यहां से जो गैमेट बन के आएगा कैपिटल आर, यहां से जो गैमेट बनेगा वो स्मॉल आर, ठीक है. इन दोनों के मिलने से क्या बना, कैपिटल आर स्मॉल आर, ये बनना चाहिए था रेड अकॉर्डिंग टू मेंडल के लॉ ऑफ डोमिनेंस के अकॉर्डिंग, लेकिन मिलता क्या है, हमें मिलता है पिंक फ्लावर. हमें कैसा फ्लावर मिलता है, हमें मिलता है पिंक, ठीक है, हमें पिंक मिला.
यहां पर जो इसका ये लॉ ऑफ डोमिनेंस है वो फेल हो जाता है। तो आज के टाइम को देखते हुए हम मेंडल के द्वारा तीन लॉज को नहीं पढ़ाएंगे, मतलब ऐसा नहीं बोलेंगे कि मेंडल ने तीन लॉज दिए हैं, हम यही बोलेंगे कि मेंडल ने दो ही लॉज दिए हैं। जो उसका पहला लॉ है वो ये बन जाता है, मतलब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है ना। और जो सेकेंड लॉ है मेंडल का वो ये बन जाता है, क्योंकि पहला लॉ इसका फेल हो चुका है। अब पहले लॉ को अब हम लॉ ना बोल करके क्या बोलते हैं, हाइपोथेसिस बोलते हैं, ठीक है ना। ये क्या हो गया है, हाइपोथेसिस। और ये चीज मैंने आपको पहले भी किसी वीडियो में पढ़ाई थी, ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये सब चीजें हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं आपको बताता हूं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या होता है, ठीक है। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन से, और उसके बाद मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो दोनों लॉज हमें पढ़ने हैं। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन मतलब कि मेंडल के वो दो लॉज जो आज के टाइम में काम कर रहे हैं, मैं उनको पढ़ा रहा हूं। तो सबसे पहले लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, देखिए भाई, सेग्रीगेशन का मतलब होता है अलग होना, सेग्रीगेट होना, क्या होना, अलग होना, ठीक है ना, अलग होना। अब मेंडल ये कहता है कि जो ये एलिक पेयर्स हैं, ठीक है ना, एलिक जो पेयर्स हैं, लाइक मैंने अगर यहां पे लिया है प्योर टॉल प्लांट लिया है, मेंडल ने ट्रू ब्रीड ही ली है, इसीलिए मेंडल के लॉज को जब भी हम एक्सप्लेन करेंगे तो उसमें जो पी जनरेशन हम लेंगे वो प्योर ही लेंगे, प्योर या फिर ट्रू लेंगे, ठीक है ना। तो प्योर टॉल है और एक है प्योर ड्वार्फ। मैंने ये बात आपको कल ही बताई थी कि मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में जो प्लांट्स यूज करे हैं वो सभी ट्रू ब्रीड्स यूज करे हैं, और ट्रू बोल दीजिए या फिर प्योर बोल दीजिए या फिर होमोजाइगस बोल दीजिए, बात एक ही है, ठीक है जी। अच्छा आगे चलते हैं। अब इसका जो जीनोटाइप होगा वो क्या होगा, कैपिटल टी कैपिटल टी, क्योंकि ये डोमिनेंट कैरेक्टर है, और यहां पर होगा स्मॉल टी स्मॉल टी। तो मेंडल ने ज्यादा कुछ नहीं बोला इस लॉ में, बस इतना बोला है कि जब गैमेट फॉर्मेशन का टाइम आएगा तो ये जो पेयर हैं इनके एलिल्स के या फिर फैक्टर्स के, मेंडल ने तो फैक्टर बोला था इन्हें, ठीक है, क्या बोला था मेंडल ने इनको, फैक्टर्स बोला था, मैंने कल बताया था फैक्टर का कॉन्सेप्ट, मेंडल ने फैक्टर किसको बोला था, उस चीज को बोला था कि कुछ तो है, कुछ तो है दया नहीं, ठीक है, वो वाला सीआईडी वाला नहीं, कि कुछ तो ऐसी चीज है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर हो रही है, ठीक है ना। और उसने उस चीज को नाम दे दिया फैक्टर, जबकि एक्चुअली वो क्या है, जीन है, जिसको आज के टाइम पे हम जीन बोलते हैं, ठीक है ना। अच्छा अब आगे चलते हैं, ठीक है। तो जो फैक्टर के पेयर हैं या फिर हम अपनी तरफ से बोले तो एल के जो पेयर हैं वो गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पर, गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पर क्या हो जाएंगे, सेग्रीगेट हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, बस ये है, ये लॉ खत्म हो गया, ये लॉ। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन आपको समझ में आ गया होगा, बहुत सबसे ज्यादा आसान जो लॉ है वो यही है, ठीक है ना, कि एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन जो ये एलिक पेयर हैं वो क्या हो जाते हैं, सेग्रीगेट हो जाते हैं। यहाँ पर ये क्या हो गए, यहाँ पर ये क्या हो गए, ये सेग्रीगेट हो गए, क्या हो गए, इधर में ये हो गए हैं इधर सेग्रीगेट, ठीक है ना, ये सेग्रीगेट हो चुके हैं। ये बहुत ही आसान लॉ है, ठीक है, और मुझे लगता, अच्छा इसकी थ्योरी वगैरह आप लोग देख लीजिएगा अपनी एनसीईआरटी की बुक से, अदरवाइज नोट्स चाहिए तो मुझे कांटेक्ट करें, मैं नोट्स जरूर दे दूंगा, ठीक है। हालांकि मैंने पोस्ट कर रखे हैं ऑलरेडी नोट्स आपके ग्रुप पे, इसके बाद आगे बात करते हैं। अब मैं पढ़ाया जा रहा हूं आपको लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। यहां से 3 मार्क्स में या फिर 5 मार्क्स में क्वेश्चन फंसता है, ठीक है ना, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। सुनो भाई, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के लिए हमें डाईहाइब्रिड क्रॉस यूज करना पड़ेगा, डाईहाइब्रिड क्रॉस। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस मैंने आप लोगों को समझा दिया था, ठीक है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, अगर आप लोगों को याद हो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में तो पता होगा, मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो मेंडल ने यूज करे थे, तो मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जो, मैं देखो मोनोहाइब्रिड की बात कर रहा हूं, ठीक है ना, मेंडल का जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस था
उसमें F2 जनरेशन के अंदर जो फीनोटिपिक रेशियो है और जो जीनोटिपिक रेशियो है, ये आपको टिप्सों पे याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। टाइम आने पर इसकी जरूरत पड़ सकती है। तो फिनोटिपिक रेशियो जो होता है वो होता है 3:1, और जीनोटिपिक रेशियो होता है 1:2:1, ठीक है ना। ये 3 यहाँ पर डोमिनेंट कैरेक्टर शो करता है और 1 यहाँ पर रिसेसिव कैरेक्टर शो करता है। यहाँ पर ये 1 होमोजाइगस डोमिनेंट शो करता है, यहाँ पर ये लास्ट वाला 1 ये होमोजाइगस रिसेसिव शो करता है। याद रखें, रिसेसिव कैरेक्टर ऑलवेज होमोजाइगस कंडीशन में ही दिखेगा, ठीक है ना। लेकिन लो ये बात, रिसेसिव इज ऑलवेज होमोजाइगस, ठीक है ना। रिसेसिव क्या होगा, ऑलवेज होमोजाइगस होगा। और जो ये बीच में 2 मिल रहे हैं, ये कैसे होंगे, हेटेरोजाइगस। तो ये था मेंडल के अकॉर्डिंग जो क्रॉस उसको मिला था मोनोहाइब्रिड में, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अच्छा, डाईहाइब्रिड में क्या क्या रेशो आएंगे, कैसे कैसे डाईहाइब्रिड क्रॉस करते हैं, ठीक है ना, क्या होता क्या है डाईहाइब्रिड क्रॉस। तो पहले तो आप यही समझ लीजिए कि डाईहाइब्रिड क्रॉस होता क्या है। जब भी हम क्रॉस कराते हैं रिगार्डिंग 2 कैरेक्टर, जब हम 2 कैरेक्टर को ध्यान में रखते हुए क्रॉस कराएंगे, तो उस तरह के क्रॉस को हम बोलेंगे डाईहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है ना, डाईहाइब्रिड। चलो आगे चलते हैं फटाक से, मैं समझाता हूँ डाईहाइब्रिड क्रॉस हम लेंगे और कैसे ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को प्रूव करेगा। तो पहले मैं आपको यही समझा देता हूँ कि डाईहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, और जब हम डाईहाइब्रिड क्रॉस समझ लेंगे उसके बाद फिर हम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी समझ लेंगे, ठीक है ना, ये मेरा दावा है फिलहाल। तो मेंडल ने क्या लिया था, एक जो पी जनरेशन ली है वो हमेशा ही प्योर लेगा, ट्रू लेगा। तो उसमें क्या होगा, यहाँ पर ये होगा, उसने ली है राउंड येलो सीड। क्या ली है, राउंड येलो सीडेड प्लांट, ठीक है जी, राउंड येलो सीड। राउंड येलो सीडेड प्लांट है, ठीक है। और दूसरा प्लांट जो यहां पे लिया है वो लिया है रिंकल्ड ग्रीन, ठीक है ना, यहां पर लिया है रिंकल्ड ग्रीन प्लांट, मतलब रिंकल्ड ग्रीन सीडेड प्लांट, ठीक है। तो एक लिया है राउंड येलो सीडेड प्लांट और एक ऐसा प्लांट लिया है जिस पर है रिंकल्ड ग्रीन सीड्स, ठीक है। मतलब दो तरह के प्लांट लिए, एक के पास जो कैरेक्टर है वो राउंड और येलो सीड का है और यहाँ पर ये, ठीक है ना। अच्छा, अब अगर आप सोच रहे हो सर यहाँ पर 2 कैरेक्टर कैसे कैसे हैं, तो देखो मैं बता देता हूँ। राउंड एक शेप का कैरेक्टर है, ठीक है ना, कि शेप कैसा है, मतलब सीड की शेप कैसी है। यहाँ पर मैंने शेप मतलब एक कैरेक्टर ले लिया, ठीक है ना, और यहाँ पर दूसरा कैरेक्टर कौन सा ले लिया, कलर ले लिया। तो इस तरह से डाईहाइब्रिड क्रॉस हो गया, नहीं हो गया। तो यहाँ पर मैंने 2 कैरेक्टर कौन से लिए हैं, एक तो शेप लिया है और एक कलर लिया है, ठीक है ना। अब क्योंकि मेंडल ने ट्रू बीड्स लिए हैं, तो सुनिए ध्यान से, यहां पर इसका जो जीनोटाइप हो जाएगा वो पहले हम एक, सबसे पहले याद रखना, पहले एक कैरेक्टर का जीनोटाइप लिखना है, लाइक कैपिटल आर, ठीक है, डोमिनेंट है ये। आप ये बात आपको जो आपने 7 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स वाली टेबल पढ़ी होगी उसमें देखा होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो मैंने यहां बताया था, देखो इधर बताया था, यहाँ देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं सीड का जो कलर डोमिनेंट है वो येलो है और जो रिसेसिव है वो ग्रीन है, और जो डोमिनेंट शेप है वो राउंड है और जो रिसेसिव शेप है वो रिंकल्ड है, ठीक है ना। डोमिनेंट का मतलब वो है जो ज्यादा दिखता है, जो रिसेसिव के कैरेक्टर को क्या कर देगा, मास्क कर देगा अगर वो हेटेरोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट हुआ। तो देखते हैं कैसे कैसे, ठीक है जी। अब आगे चलते हैं फटाक से, अपने वापस से स्क्रीन पर आते हैं। तो याद रखना, पहले हमें किसी भी एक कैरेक्टर के रिगार्डिंग उसका जीनोटाइप लिखना पड़ेगा, जो कि मैंने यहां लिया है, ठीक है, और फिर दूसरे का लेंगे हम कलर का क्या है, YY, ठीक है ना। अच्छा जी, ये बात आपके सर में आ गई। तो ये जीनोटाइप हो गया। देखो मोनो हाइब्रिड क्रॉस में हम अगर टॉल की बात करते थे तो एक ही कैरेक्टर है, तो टॉल का जीनोटाइप क्या ले देते, कैपिटल टी ले देते प्योर फॉर्म में,
ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे हम डायहाइब्रिड ले रहे हैं, दो कैरेक्टर साथ में ले रहे हैं, तो हमें दोनों के एक एक करके जीनोटाइप लिखने पड़ेंगे, ठीक है ना। कभी भी ऐसे मत कर देना एग्जाम में आर वाई ये गलत है, ठीक है ना, क्योंकि कुछ बच्चों की खोपड़ी घूम जाती है जेनेटिक्स में, ठीक है, घुमाए नहीं। अब आगे चलते हैं, ऐसी रिंकल का क्या हो जाएगा, सिमोलार सिमोलार, ठीक है, और फिर ग्रीन का क्या हो जाएगा, सिमोल वाई सर ऐसे क्यों लिया, वो क्यों नहीं लिया। देखो भाई, जब हम टॉल की बात करते थे, टॉल एक डोमिनेंट कैरेक्टर था, तो कैपिटल टी लेते थे, और जब मैं इसके ड्वार्फ की बात करूं, ड्वार्फ एक रिसेसिव कैरेक्टर है, तो मैं क्या लेता था, स्मॉल टी लेता था, सिंपल है ना। तो ऐसा ही मैंने यहां पे किया है, ठीक है जी। अच्छा, अब गैमेट्स कैसे बनेंगे, इसके अंदर से गैमेट्स कैसे बनेंगे, ठीक है ना, वो समझ लेते हैं, इसके अंदर से गैमेट्स कैसे कैसे बनेंगे। तो फिलहाल अगर मैं बेसिक कॉन्सेप्ट से थोड़ा सा दोबारा से आपको याद दिलाऊं, तो देखो ये डिप्लॉइड सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और डिप्लॉइड सेल में क्रोमोसोम पेयर में मिलेंगे, लाइक ये एक क्रोमोसोम हो गया, ठीक है, और इसका पेयर एक और होगा इसके पीछे, होमोलोगस पेयर, पीछे एक और क्रोमोसोम होगा, ठीक है ना। तो देखो होगा क्या, अब जो ये पेयर में मिल रहे हैं क्रोमोसोम, अगर यहां पर कैपिटल आर है तो दूसरे पर भी कैपिटल आर है, ठीक है, यहां पर कैपिटल वाई है तो यहां पर भी कैपिटल वाई है। ये मैं अपने प्रीवियस बेसिक कॉन्सेप्ट से पढ़ा रहा हूं, ठीक है ना, हालांकि आपको देख लेना चाहिए कायदे से। और जब ये दोनों क्रोमोसोम अलग अलग होंगे, लाइक ये येलो वाला क्रोमोसोम अलग होगा और ये वाला अलग होगा, तो ये कौन कौन से पेयर्स को सेपरेट कर रहा होगा, आर वाई को और आर वाई को, ठीक है ना। तो यहां से जो जो गैमेट बनेंगे वो किस तरह के बनेंगे, आर वाई की तरह के गैमेट बनेंगे, ठीक है ना। तो यहां से जो गैमेट बनेगा वो आर वाई की तरह का बनेगा, और यहां से भी एक ही गैमेट बनेगा, वो भी स्मॉल आर स्मॉल वाई, जैसे यहां पर बन रहा है ऐसे ही सेम इधर बनेगा, ठीक है। तो यहां पर गैमेट क्या बनेगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई टाइप का, ठीक है, और यहां से कौन सा बनेगा, स्मॉल आर स्मॉल वाई टाइप का। बहुत ही शांति से अच्छे तरीके से आप इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, ठीक है। मान के चलो अभी आर वाई क्रोमोसोम पे किस तरह से मौजूद होंगे, लाइक यहां पर आर मान लीजिए आप, यहां पर वाई मान लीजिए, ठीक है, और यहां पर आप क्या मान लीजिए, यहां पर आप स्मॉल आर मान लीजिए, ठीक है ना, यहां पर आप स्मॉल वाई मान लीजिए। हालांकि इस तरह से आपको एग्जाम में नहीं एक्सप्लेन करना है, क्योंकि मेंडल क्रोमोसोम के बारे में नहीं जानता था, लेकिन आप इस चीज को समझ पाए इसलिए मैं ऐसे बता रहा हूं, ठीक है ना। चलो जी आगे बात करते हैं। अब जब ये दोनों मिलेंगे, ठीक है, जब ये दोनों मिलेंगे तो बनेगा क्या, तो इसके रिजल्ट में क्या बनेगा, आप खुद अंदाजा लगाएं। जब ये दोनों क्रोमोसोम पेयर करेंगे, ये वाला क्रोमोसोम और ये वाला क्रोमोसोम, जब पेयरिंग करेंगे जैसा कि होता है, क्योंकि ये क्या बन गए हैं, ये तो गैमेट्स बन गए हैं, और ये हैप्लोइड सेल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हैप्लोइड सेल में क्रोमोसोम कैसे होते हैं, अनपेयर्ड होते हैं, जो कि मैंने यहां दिखा रखे हैं। ये कैसे क्रोमोसोम है, ये अनपेयर्ड है, ठीक है ना, ये अनपेयर्ड क्रोमोसोम है। और ये कैसा था, ये पेयर्ड था, ये डिप्लॉइड को रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे कि यहाँ पर डिप्लॉइड है, और फिर हैप्लोइड बन जाता है कौन सी प्रोसेस से, मियोसिस की प्रोसेस से, और मियोसिस की प्रोसेस से क्या बनते हैं, गैमेट बनते हैं, ठीक है ना। अच्छा जी चलो आगे बात करते हैं, ठीक है। अब जब ये दोनों मिलेंगे, तो मैं साइड में बना के दिखा रहा हूं, ये जब दोनों क्रोमोसोम मिलेंगे तो इस तरह से नेचर आएगा कुछ, लाइक एक क्रोमोसोम इधर से, एक क्रोमोसोम इधर से, यहां से कैपिटल आर और दूसरे पर है स्मॉल आर, और यहां पर है कैपिटल वाई और दूसरे पर है स्मॉल वाई। जैसे मैंने यहां पर क्या किया था, आर आर वाई वाई लिखा था, ऐसे में यहां पर लिखूंगा कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो क्या बनेगा जीनोटाइप, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है जी। तो ये हो जाता है आपका F1 जनरेशन। F1 जनरेशन क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि ये ही किसका रिजल्ट है, ये रिजल्ट है आपके P जनरेशन का, ठीक है ना। अच्छा, अब एग्जाम में आपको क्या क्या नहीं लिखना है, ठीक है ना, एग्जाम में समझने के लिए तो आपने कर दिया है, ये क्रोमोसोम नहीं बनाने हैं। इससे पहले कि मैं इसको इरेज कर दूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है ना, मैं इसे इरेज करने जा रहा हूं, तो ये नहीं बनाना है एग्जाम में, ठीक है ना, ये भी नहीं बनाना है एग्जाम में, ये भी नहीं बनाना है, ठीक है ना, ये भी नहीं बनाना है, क्लियर है ना। हाँ जी, तो ये सब बातें आपने याद रखनी है।
चलो जी अब आगे चलते हैं फिलहाल, ठीक है। अब F1 से जब मुझे F2 बनाना होगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे F1 की सेल्फिंग करानी पड़ेगी। क्या करानी पड़ेगी भाई, सेल्फिंग। तो F1 की क्या होगी यहां पर, अब सेल्फिंग है ना, F1 की क्या होगी, सेल्फिंग। सेल्फिंग का मतलब क्या होता है, सेल्फिंग का मतलब होता है अगर मैं बोल रहा हूं RRYY और मुझे इसकी सेल्फिंग करानी है, तो सेल्फिंग का मतलब होगा मैं इसी जीनोटाइप का क्रॉस इसी तरह के जीनोटाइप से कराऊंगा, ठीक है ना। सेल्फिंग का मतलब है सेल्फ पॉलिनेशन, वो भी ऑटोगैमी वाला, मतलब सेम जीनोटाइप के बीच में जब क्रॉस होता है तो उसको क्या बोलेंगे हम, सेल्फिंग बोलेंगे, ठीक है ना। याद रखना भाई ये बात, क्लियर है ना। अच्छा, लेकिन यहां पर जो F1 में हमें मिला है वो क्या मिला है, वो हमें मिला है कैपिटल R स्मॉल R कैपिटल Y स्मॉल Y। तो इसका मतलब क्या हो गया, मुझे क्रॉस कराना है कैपिटल R स्मॉल R कैपिटल Y स्मॉल Y का क्रॉस कैपिटल R स्मॉल R कैपिटल Y स्मॉल Y से, ठीक है। करा तो आप दोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। ये क्या है, ये है F1 जनरेशन। अब हमें F1 से F2 निकालना है, तो बहुत सारे बच्चे यहीं कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन आप टेंशन ना लो, आप मेरी टीम में हो, आपको मैं कंफ्यूज नहीं होने दूंगा, ठीक है ना। सुनो ध्यान से, होगा क्या, गैमेट कैसे बनाते हैं पहले तो ये समझ लो। मैं आपको गैमेट बना के दिखा देता हूं साइड में, ठीक है ना। एक साइड में आपको गैमेट बनाना सिखा देता हूं। देखो भाई, गैमेट बनाने के ना दो तरीके हैं, एक तो मेरा वाला तरीका है, अब मैं एक्सपर्ट हूं इस चीज में, तो मैं तो बना दूंगा गैमेट आराम से। मेरे सामने क्या है, कैपिटल आर है, स्मॉल आर है, कैपिटल वाई है, स्मॉल वाई है। तो पहला गैमेट जो मैं बनाऊंगा वो इस वाले आर का इससे क्रॉस कराओ एक बारी, ठीक है, फिर एक बारी इसी आर का स्मॉल वाई से कराओ। तो दो गैमेट बन के आ गए हमारे, एक तो कैपिटल आर कैपिटल वाई, एक कैपिटल आर स्मॉल वाई, ठीक है। अब क्या करूंगा मैं, अब मैं इस स्मॉल आर का कैपिटल वाई से कराऊंगा एक बारी क्रॉस, और इसका इस बार इसके साथ। तो अब क्या बनेगा, स्मॉल आर कैपिटल वाई बन गया एक, और स्मॉल आर स्मॉल वाई बन गया। तो चार गैमेट बन गए, क्या बन गए, चार गैमेट बन गए, एक दो तीन चार। तो मतलब इससे बनेंगे चार तरह के गैमेट, सेम इसी से भी चार तरह के ही गैमेट बनेंगे। और कौन कौन से चार गैमेट बनेंगे, एक दो तीन चार। एक और तरीका है बच्चों इसे बनाने का, आपको करना क्या है, कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल है, आपको बॉक्स रूल से भी आप गैमेट बना सकते हो। लेकिन ये जो आप गैमेट्स बनाएंगे वो साइड में कहीं पे भी रफ वर्क के लिए आपको बनाना है, ठीक ना। दिखाना नहीं है एग्जामिनर को कि हमने ऐसे ऐसे गैमेट बनाए हैं, ठीक है, आपको बस सीधा लिख देना है एग्जाम में। तो आपको करना क्या है, ये जो जीनोटाइप है इसको तोड़ देना है, लाइक एक तरफ आर एक तरफ स्मॉल आर, एक तरफ कैपिटल वाई एक तरफ स्मॉल वाई। अब इनको मिलाओ, अब इनको मिलाओ आपस में, यहाँ पे क्या बन गया, कैपिटल आर कैपिटल वाई बन गया, यहाँ पर क्या बन गया, कैपिटल आर स्मॉल वाई बन गया, यहाँ पर क्या बन गया, स्मॉल आर कैपिटल वाई बन गया, यहाँ पर क्या बन गया, स्मॉल आर स्मॉल वाई बन गया। तो ये दो तरीके हैं गैमेट बनाने के, तो चार तरह के गैमेट सेम वही आ गए हैं जो मैंने यहाँ बनाए हैं, ठीक है ना। तो गैमेट बनाने के मैंने आपको दो रूल्स बता दिए हैं, और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि मैं इसको बनाने जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे स्पेस चाहिए, मुझे चाहिए स्पेस, ठीक है ना। मैं इसको बनाने जा रहा हूं। अच्छा जी, तो चार तरह गैमेट बन गए हैं और चार तरह गैमेट आपको बनाने आने चाहिए, ठीक है ना। तो यहां से जो चार तरह गैमेट बनेंगे वो कौन से बनेंगे वो आपको पता है, और वहां से इस वाले F1 जनरेशन में जो दूसरा पेरेंट है उससे कौन से गैमेट बनेंगे, सेम वही बनेंगे, ठीक है ना। अब करना क्या है, एक बॉक्स बनाना है, ठीक है ना, और बॉक्स में 16 पार्ट करने, मतलब 16 मिनी बॉक्स बनाने हैं इसके अंदर, ठीक है ना। तो मैं बना रहा हूं आपके सामने, ठीक है, सेम आपको भी ऐसे ही करना है। तो 16 बॉक्सेस आपको ऐसे ही बनाने हैं जैसे मैं बनाऊंगा, ठीक है। हाँ जी, तो वो जो गैमेट बने हैं एक पेरेंट के उसको मैं एक तरफ लिख देता हूँ, लाइक गैमेट कौन से बने थे, कैपिटल आर कैपिटल वाई बना था,
कैपिटल आर स्मॉल वाई बना था, स्मॉल आर कैपिटल वाई बना था, स्मॉल आर स्मॉल वाई बना था। ऐसे ही दूसरे पेरेंट से भी सेम वही, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई और स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, ठीक है ना। अच्छा अब इसको फिल करने के लिए ना मैं ट्राइंगल रूल अपनाता हूँ, ठीक है, ट्राइंगल रूल अपनाता हूँ मैं। नॉर्मली तो समझ में नहीं आएगा क्योंकि आपके स्कूल में सिखाया नहीं होगा, लेकिन सुनिए ध्यान से, ट्राइंगल रूल मेरे अकॉर्डिंग क्या है, आपको बस जिन लाइंस को मैं यहाँ पे खींच रहा हूँ उन्हीं लाइन से जो बॉक्सेस टच हो रहे हैं सिर्फ उन्हीं को फिल करने में दिमाग लगाना है, बाकी तो बस इसकी कॉपी ही होगी, ठीक है ना। तो सुनो ध्यान से, मैंने एक तो ये बॉक्स, एक ये बॉक्स, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 बॉक्स फिल करने में आपको दिमाग लगाना है, उसके बाद आपको दिमाग नहीं लगाना है। मतलब आपको इस बॉक्स को फिल करने में, इसको 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 फिल करने में कोई दिमाग नहीं लगाना है। सर क्या दिमाग दिमाग मचा रहे हो, जल्दी से फिल करो। तो देखो भाई अब मैं साइड से मिटा दे रहा हूँ, ठीक है ना, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि मैं बहुत ही इजी लाने वाला हूँ आपको इसके लिए, ठीक है ना। हाँ जी मैं ये सब मिटा दे रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि मुझे चाहिए थोड़ा सा स्पेस फिलहाल। हमने सेल्फिंग कराई है इन दोनों की, अब सुनिए ध्यान से हो क्या रहा है, क्या हो रहा है भाई सुनिए। अब मैं ये ट्रायंगल को ही मिटा दे रहा हूँ जिससे कि हम चीजों को अच्छे से फिल कर पाए और जो मेरी बात है वो आप अच्छे से कॉपी कर पाओ। मैं आपको पहले रटा देता हूँ। देखो भाई जीनोटाइपिक रेशियो क्या होता है डाइहाइब्रिड का, डाइहाइब्रिड का जो जीनोटाइपिक रेशियो है वो क्या है, डाइहाइब्रिड का जीनोटाइपिक रेशियो क्या होता है, लिख लीजिए दिमाग में बैठा लीजिए कैसे भी, पर याद होना चाहिए 1:2:1:2:4:2:1:2:1। मतलब जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जीनोटाइपिक रेशियो था दैट इज 1:2:1, उसका एक बार डबल करें दैट इज 2:4:2 और फिर वापस से उसी को लिख दें। तो 121, 242, 121, मैं तो इसको पर्सनली ऐसे याद रखता हूँ, ठीक है ना। अच्छा एग्जाम में आपको इसको खोल खोल करके लिख के आना पड़ेगा, लाइक 1 क्या है 2 क्या है 1 क्या है 2 क्या है 4 क्या है 2 क्या है 1 क्या है 2 क्या है 1 क्या है, ठीक है ना। तो मैं कैसे फिल करता हूँ इन्हें दिमाग लगा करके, देखो भाई यहाँ पर जो 1 है वो कितनी बार रिपीट हो रहे हैं, 1, 2, 3, 4, और जो ये वाला बॉक्स है ना जो इस लाइन से टच होंगे, जो इस लाइन से टच हो रहे हैं सभी बॉक्सेस, ठीक है ना, ये मतलब 1, 2, 3, 4, ये दोबारा कभी रिपीट ही नहीं होंगे, ये दोबारा में कभी रिपीट ही नहीं होंगे पूरे इसमें 16 बॉक्स में, ये बस एक ही बार आते हैं इसमें, जो भी जीनोटाइप हम फिल करेंगे वो एक ही बार आएगा बस, देखना कैसे। देखो भाई यहां पर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, ठीक है ना। तो ये 4 बार ही मैंने लिखा है और चारों जीनोटाइप एकदम अलग हैं, एक दूसरे से मैच नहीं कर रहे हैं। तो मैं इनको यहां लिख देता हूँ, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, ठीक है ना, सिमोलार सिमोलार कैपिटल वाई कैपिटल वाई, ठीक है ना, ये मैंने इस तरह से फिल कर दिए। तो चारों के चारों जीनोटाइप मेरे यहाँ पर आ गए, साथ के साथ फिल करोगे तो एग्जाम में जल्दी से आप इनको फिल कर पाओगे, बस मुझे समझाने में टाइम लग रहा है। आप जब इसको एक्चुअल में इस ट्रिक को समझ करके एग्जाम में अप्लाई करोगे तो डेफिनेटली आपसे फास्ट कोई नहीं कर पाएगा इसे। मेरे पास एक और ट्रिक भी है 16 बॉक्सेस वाली फिल करने की, वो मैं स्पेशल जेनेटिक्स वाली क्लास में पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। फिलहाल अब देखो एक बात क्या रखना है इंसानों, 2-2 वाले कितनी बार रिपीट हो रहे हैं, देखो भाई 2-2 वाले कितनी बार रिपीट हो रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 2-2 वाले भी 4 वाले रिपीट हो रहे हैं। अब देखो ये कैसे कैसे रिपीट होते हैं, जो भी आप यहां पर फिल करोगे वो इस वाली जगह पर भी रिपीट होगा, जो भी आप यहां फिल करोगे वो इधर जाकर के रिपीट होगा,
ठीक है ना, जो भी आप यहाँ फिल करोगे वो उधर जा करके रिपीट होगा, और जो भी आप यहाँ फिल करोगे वो इसमें भी रिपीट होगा। बिलीव नहीं होता तो देखिए मैं फिल करके दिखाता हूँ। मैंने बोला ये वाला यहाँ रिपीट होगा, ये वाला यहाँ रिपीट होगा, ये वाला यहाँ रिपीट होगा, है ना, और ये वाला यहाँ रिपीट होगा। तो देखो बस मुझे इसको फिल करने में दिमाग लगाना है, इसको फिल करने में दिमाग लगाना है, इसको फिल करने में, इसको फिल करने में, क्योंकि इसकी ही कॉपी वो होगा, इसकी ही कॉपी वो, इसकी ही कॉपी वो, इसकी ही कॉपी वो। अब डायलॉग बाज बच्चे तो ये बोल देंगे सर समझाने में इतना टाइम लगा देते, मैं तो फिल भी कर देते। सही है आपकी बात, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा स्मार्ट बना रहा हूँ बस, ठीक है ना, कि यहाँ पर आप बजाय एक एक बॉक्स में दिमाग लगाने के, आप बस इस ट्राइंगल जो मैंने बताया था शुरू में उसमें ही दिमाग लगा लो ना, बाकी तो उसकी कॉपी ही तो है। तो देखो अब मैं समझाता हूँ, ठीक है ना, पहले मैं इसको समझाता हूँ, ये वाला इसमें रिपीट होने वाला है। तो देखो यहाँ पर क्या आएगा, कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। अब मैं ऊपर इसको मिलाने में दिमाग नहीं लगाऊंगा, बस इसको ही कॉपी कर दूंगा एज इट इज, कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, यही आएगा, ठीक है ना। अच्छा अब मैंने यहाँ क्या बताया है कि ये वाला कहाँ रिपीट होना है, यहाँ रिपीट होना है। तो देखो भाई भरो इसे, यहाँ क्या आएगा, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, वो ही वहां रिपीट हो जाएगा, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, ठीक है ना। दिमाग तो नहीं लगाना पड़ा मुझे, बस एक को फिल करने में ही दिमाग लगाना पड़ा, दूसरे में डबल डबल दिमाग लगाऊं उससे तो बढ़िया मैं एक में ही दिमाग लगा लूं, दूसरा सब कॉपी है जैसे कि मैंने बताया है तुम्हें, ठीक है ना। अच्छा जी इसके बाद अब मैंने और क्या बताया है कि ये वाला जो है वो यहाँ रिपीट होगा, है ना। तो देखो यहाँ क्या हो जाएगा, कैपिटल आर, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई, ऐसे वहां फिल कर दो, कैपिटल आर, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई, क्लियर ना, बस एक में ही दिमाग लगाना पड़ा मुझे, क्लियर है ना। अच्छा अब मैंने आपको ये भी बताया है कि जो ये वाला है वो वहां रिपीट होगा, तो देखो कैसे कैसे रिपीट होगा। देखो अब बस इसको फिल करने दिमाग लगाना, स्मॉल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, तो स्मॉल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, ठीक है ना, बस ये। अच्छा तो ये दो दो वाले चार बारी हमें देखने को मिले, पहला क्या मिला, कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, ठीक है ना। दूसरा क्या मिला, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, ठीक है। तीसरा क्या मिला, कैपिटल आर, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई। चौथा क्या मिला, स्मॉल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, बस इसको फिल करने में ही दिमाग लगाना पड़ा, ठीक है ना। तुरंत की तुरंत फिल करने से ये फायदा है, बाद में ना अड़चने नहीं आती हैं। अगर आप 16 बॉक्सेस को एक एक करके फिल करने में दिमाग लगाते तो फिर आप इनको बाद में गिनने में भी दिमाग लगाते कि भाई गिनते रहो, इनको काउंट करते रहो, ऐसे ही दिमाग लगाते आप, तो ऐसे दिमाग मत लगाओ, ठीक है ना। इस रूल से फिल कर दो, क्योंकि एग्जाम वाला इसी रूल को देखेगा आपका, 16 बॉक्स वाले को, ठीक है ना। अच्छा अब रह गया चार, फोर रह गया, मतलब कोई भी ऐसी चीज है जो चार बार रिपीट होगी। अब चार बार रिपीट होगी, मैंने आपको पहले बताया था कि जो इस बॉक्स को फिल करने में और दिमाग लगाना है बस हमें, क्योंकि यही बॉक्स पूरा वहां तक रिपीट होगा, ठीक है ना। तो देखो फिल हम ऐसे, भाई मेरे को फिल करने के दोगे मैं तो ऐसे फिल करूंगा, ठीक है। तो देखो अब फिल कर दे, मतलब जो भी मैं यहाँ पर फिल करने वाला हूँ वो ही चीज यहाँ पर आएगी, वो ही यहाँ पर आएगी, वो ही यहाँ पर आएगी, ठीक है। तो देखते हैं कैसे कैसे आती है, ठीक है ना। अब देखो देखो तुम भी क्या याद रखोगे, वही आएगा जो पेरेंटल जीनोटाइप है, मतलब कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, 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 बस 16 बॉक्सेस आपके फिल हो गए हैं और ये आ गई आपकी F2 जनरेशन, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या आएगा, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, ठीक है ना। अच्छा तो देखो भाई ये क्या, ये किस तरह का कैरेक्टर शो करेगा, राउंड येलो, क्या शो करेगा, राउंड येलो सीड, ठीक है ना, राउंड येलो सीड। अच्छा ये क्या शो करेगा, राउंड येलो, भाई पहला पहला हर पेयर का पहला जीनोटाइप देख लो, जैसे कि अगर मैंने आपके सामने ये देख लिया कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई लिख दिया, तो इसका मतलब पहले इस पेयर का पहला वर्ड देख लो, इस पेयर का पहला देख लो क्या है, कैपिटल वाई है। अच्छा पहले हम जैसे मैंने ये पेयर लिखा है तो उसको मैं ऐसे ही लिखूंगा स्मॉल आर कैपिटल आर, ये गलत तरीका है। अगर मैंने ये लिखा है तो उसको भी मैं ऐसे ही लिखूंगा, कभी भी आपको स्मॉल लेटर पहले नहीं लिखना है, ठीक है ना। चाहे आप मान के चलो इस वाले को
इससे मिला रहे हो तो मिलाओ भाई, इन दोनों को साथ में मिलाओ। नॉर्मली गलती आप ये भी कर सकते थे कि स्मॉल आर, स्मॉल आर है ना, और स्मॉल वाई कैपिटल वाई कर देते आप मान के चलो, तो ये गलत तरीका होता। क्योंकि तो पहले आपको, चलो यहाँ पे तो दोनों ही स्मॉल है, इस वाले केस में क्या करेंगे हम, पहले कैपिटल वाई लिखेंगे फिर स्मॉल वाई लिखेंगे, ठीक है ना। तो हर पेयर को अलग अलग तरीके से देखा करो, ठीक है ना। अच्छा जी आगे चलते हैं, ठीक है ना, आगे चलते हैं, ठीक है जी। हाँ यहाँ क्या बनेगा, इस तरह से राउंड येलो सीड, ठीक है ना। यहाँ क्या बनेगा, राउंड ग्रीन सीड, राउंड ग्रीन है ना, स्मॉल वाई आ गया ना। अच्छा यहाँ क्या बनेगा, राउंड येलो, राउंड येलो सीड, ठीक है। यहाँ क्या बनेगा, राउंड येलो, क्या बनेगा भाई, राउंड येलो सीड, ठीक है। यहाँ क्या बनेगा, राउंड के साथ ग्रीन, ठीक है, क्या बनेगा, राउंड ग्रीन सीड, ठीक है। यहाँ क्या बनेगा, रिंकल्ड येलो, यहाँ क्या बनेगा भाई, रिंकल्ड येलो सीड, ठीक है ना। यहाँ क्या बनेगा, रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड येलो सीड, ठीक है जी। अच्छा यहाँ देखो, यहाँ क्या बन रहा है, राउंड ग्रीन, यहाँ क्या बन रहा है, राउंड ग्रीन सीड। तो भाई इस तरह से आपका जियो टाइप रेशियो तो हो गया ओवर, ठीक है ना, क्या हो गया, जियो टाइप रेशियो हो गया आपका ओवर, क्योंकि इसमें आपने जियो टाइप भी बता दिए सभी के और क्या कैरेक्टर शो कर रहे हैं वो भी आपने बता दिए, ठीक है ना। अच्छा अब अगर आपसे पूछे इसका फ्यूम टाइप रेशियो क्या होगा, तो सुन लो भाई, मैं फ्यूम टाइप रेशियो ना ऊपर बता रहा हूँ साइड में, ठीक है, फ्यूम टाइप रेशियो को मैं यहाँ बता रहा हूँ साइड में ऊपर, ठीक है ना, तो सुनो ध्यान से। फिनोटिपिक रेशियो जो इसका आएगा वो आएगा 9:3:3:1, ठीक है ना। क्या आएगा भाई, लिख लो, दिमाग में बैठा लेना, क्या आएगा इसका फिनोटिपिक रेशियो, 9:3:3:1। ये मेंडेलियन क्रॉस के रेशियोज हैं। आगे मैं आपको ऐसी ऐसी चीजें भी पढ़ाऊंगा जिसमें ये रेशियो वैलिड नहीं होते हैं, ठीक है ना। अब देखो फिनोटाइप रेशियो क्या है, 9:3:3:1। यहाँ पर जो 9 आए हैं, आप यहाँ देखना 9 आए होंगे राउंड येलो, राउंड येलो देखो कितने हैं, एक राउंड येलो और दो जोड़ दो, तीन हो गए, ठीक है ना। और देखो और दो जोड़ दो, तीन और दो पांच, और चार नौ हो गए ना, नौ, तो नौ क्या हो गए यहाँ पे, राउंड येलो हो गए ना, राउंड येलो, क्लियर है, राउंड येलो हो गए। अच्छा आप यहाँ पर देखिए कि जो थ्री हैं वो कैसे बन रहे हैं, वो बन रहे हैं राउंड ग्रीन, ठीक है ना। देखो भाई राउंड के साथ ग्रीन एक, ठीक है ना, राउंड के साथ ग्रीन दो, तो 2+1 3 हो गया, ठीक है। अच्छा अगर मैं आपसे कहूं यहां पर कि बाकी जो ये तीन है ये कौन से बन रहे हैं, ये बन रहे हैं आपके रिंकल्ड येल्लो, ये बन रहे हैं आपके रिंकल्ड येल्लो, ठीक है ना। देखो दिखाता हूँ नीचे, यहाँ देखो ये रिंकल्ड येल्लो, ठीक है, और एक ये रहा रिंकल्ड येल्लो, ठीक है, तो ये होगा आपके 2+1 3। अच्छा अब एक और रह गया, वो तो आप सभी को दिख रहा ही है, ये जो लास्ट में एक बच रहा है ये कौन सा है, ये आपका राउंड, सॉरी राउंड नहीं, सॉरी, ये है रिंकल्ड ग्रीन, ये क्या है आपका, रिंकल्ड ग्रीन, ठीक है। अच्छा जो कि ये वाला, तो जियोटेपी रेशो पहले से लिखने का ये भी फायदा है कि आपके मिस्टेक के चांसेस कम बन जाते हैं। अच्छा अब लॉ, अब ये तो हो गया आपका कंप्लीट डाईहाइब्रिड क्रॉस, डाईहाइब्रिड क्रॉस का हमने रेशो जान लिए। पूछ लेता है एग्जाम में कि डाईहाइब्रिड क्रॉस का जो फिनोटेपिक और जियोटेपिक रेशो आते हैं वो क्या क्या आते हैं, तो आपको बताना पड़ेगा भाई एग्जाम में, ठीक है ना। तो दिमाग में बैठा रहना इस बात को, कैसे भी बुद्धि में कॉपी कर लो, कुछ भी कर लो, ठीक है ना, बस याद हो जाना चाहिए, क्लियर है। तो जियोटेपी रेशो क्या होता है डायहाइब्रिड क्रॉस का, 1:2:1, 2:4:2, 1:1:2:1,
मैं अपने दिमाग में याद रखता हूँ उसको 121, 242, 121, मतलब 121, 242, 121. और फिनोटाइपिक रेशियो क्या है? 9:3:3:1, ठीक है ना, याद रख लेना. अच्छा, इसके बाद अब लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहता क्या है? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ये कहता है कि जो एलिक पेयर हैं किसी एक कैरेक्टर के लिए, ठीक है ना, वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं किसी दूसरे पेयर पे. मतलब ये जो मैंने एक पेयर लिया है किसी कैरेक्टर वन के लिए, ठीक है ना, जो मैंने शुरू में बताया था, और ये वाला जो पेयर लिया है मैंने किसी कैरेक्टर टू के लिए, तो ये आपस में इंडिपेंडेंट है. ये वाला जो पेयर है कैपिटल वाई कैपिटल वाई, ये कैपिटल आर के क्या है? हमेशा इंडिपेंडेंट है. कहना क्या चाह रहे हो सर? मैं ये कहना चाह रहा हूं सीधा सीधा कि मैंने जब क्रॉस की स्टार्टिंग करी थी तो मैंने पेरेंट्स क्या लिए थे? पेरेंट पी जनरेशन मैंने क्या ली थी? एक तो मैंने ली थी कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, मतलब कि राउंड के साथ क्या लिया था मैंने? येल्लो लिया था, ठीक है ना. और दूसरा क्या लिया था मैंने? सिमोलर सिमोलर सिमोल वाई सिमोल वाई, मतलब कि रिंकल्ड के साथ क्या लिया था मैंने? ग्रीन लिया था ना, रिंकल्ड के साथ ग्रीन. तो ऐसा नहीं है कि राउंड के साथ हमेशा येल्लो ही मिलेगा, कि ये वाला जो कैरेक्टर है इसी के साथ हमेशा एक दूसरे पे डिपेंड करेंगे ये दोनों कैरेक्टर. ऐसा नहीं है, ठीक है ना. इस बात का प्रूफ कहाँ देखने को मिलता है हमें? कि एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते दोनों कैरेक्टर, मतलब राउंड येल्लो पे डिपेंड नहीं करता और येल्लो राउंड पे डिपेंड नहीं करता, और रिंकल ग्रीन पे डिपेंड नहीं करता और ग्रीन रिंकल पे डिपेंड नहीं करता. मतलब कि जो सीड की शेप है वो सीड के कलर पे डिपेंड नहीं करती, और जो सीड का कलर है वो सीड की शेप पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है ना. मतलब ये एक दूसरे के क्या है? इनडिपेंडेंट है, एक दूसरे पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करते. इसका प्रूफ कहाँ देखने को मिलता है हमें? देखिए बच्चों, मतलब पेरेंटल जो हमने जीनोटाइप लिए थे, पेरेंटल जो हमने कैरेक्टर लिए थे, मतलब राउंड के साथ येल्लो और रिंकल के साथ ग्रीन, अगर ये एक दूसरे पर डिपेंड करते तो हमेशा ही रिंकल के साथ ग्रीन दिखना चाहिए था और राउंड के साथ हमेशा ही येल्लो दिखना चाहिए था. लेकिन हमें क्या मिला? हमें राउंड के साथ ग्रीन देखने को मिल गया है और रिंकल के साथ येल्लो देखने को मिल गया है. तो इससे ये बात साबित हो जाती है कि जो ये फैक्टर्स हैं किसी भी कैरेक्टर के लिए, वो आपस में क्या होते हैं? इनडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं. क्या होते हैं? इनडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं, जैसे कि हमें यहाँ देखने को मिला है, ठीक है ना. अच्छा, अब एक लास्ट बात और याद रख लीजिए दिमाग में. जो ये थ्री मैंने यहाँ बताया है और जो ये थ्री मैंने यहाँ बताया है, ठीक है ना, इनको हम बोलते क्या है? इनको हम बोलते हैं, ठीक है, इनको हम बोलते हैं भाई रिकॉम्बिनेंट्स. इनको हम क्या बोलते हैं? रिकॉम्बिनेंट्स बोलते हैं, ठीक है ना, रिकॉम्बिनेंट्स. रिकॉम्बिनेंट्स क्या होता है? रिकॉम्बिनेंट की डेफिनेशन क्या होती है? रिकॉम्बिनेंट की डेफिनेशन होती है न्यू नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन. जो भी नए नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन बनते हैं उन सभी को हम रिकॉम्बिनेंट्स बोलते हैं. जैसे कि यहां पर पेरेंटल कॉम्बिनेशन क्या लिया था मैंने? मतलब राउंड के साथ येल्लो लिया था. पेरेंटल कॉम्बिनेशन क्या था? रिंकल के साथ ग्रीन और राउंड के साथ येल्लो, यही था हमारा पेरेंटल कॉम्बिनेशन. मतलब राउंड के साथ क्या देखना? येल्लो देखना. लेकिन हमें कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन देखे जो कि पेरेंट्स के पास, जो कि पेरेंटल नहीं है, मतलब पेरेंट वाले कॉम्बिनेशन नहीं है. जैसे कि राउंड के साथ ग्रीन का होना, ये पेरेंटल नहीं है, और रिंकल के साथ येल्लो का होना, ये भी पेरेंटल नहीं है, ठीक है ना. तो इसी तरह से लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ओवर हो जाता है, ठीक है ना. और वीडियो लेट आई है, उसकी रीजन है कि इतनी रात को मैं वीडियो डाल रहा हूं, क्योंकि मेरे कुछ पर्सनल मैटर्स होते हैं, ठीक है, मैं मार्केट चला गया था, ठीक है. फिलहाल खत्म करते हैं ये खेल यहीं पे, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में. मैं आपको बहुत सारी चीजें बताऊंगा उसमें, ठीक है ना. नेक्स्ट लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, उसको मिस ना करें. जेनेटिक्स जिस तरह से मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना, एकदम एक्सपर्ट हूँ मैं इस चैप्टर में, ठीक है. तो टेंशन ना लें, क्लियर कर देता हूँ मैं सब. आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो करो सपोर्ट, ठीक है, दबा के खत्म.